Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 1. In this video, we will summarize chapter number 5, water. Okay, so this is summary lecture. But first of all, I will discuss about your homework which I had assigned you in last class. Okay, so let's start. Class 1, term 3. Subject EVS. Chapter number 5. Water. Its chapter name. Lecture number 3. Our topic is summary lecture. So, okay, this was your homework. Fun zone. A project. On a drawing sheet of light blue colored paper, draw a big drop of water. Drop kya hoti? Boond. Pani ki boond, jo barish ki boond hoti hai. Drop of water and write in beautiful handwriting. So, aapko aise like this, ek ब्लू पेपर भी बना सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ब्लू ही कलर लेना है, आप व्हाइट भी ले सकते हैं. बट उसको आप कलर कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर का जो वाटर का कलर होता है. सो ऐसे एक लाइक दिस आप अपने पानी के एक ड्रॉप बनाएंगे, यानी बूंद बनाएंगे, और उसके अंदर आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं. DRINK ड्रिंक, CLEAN क्लीन, WATER वाटर. ओके, सो यहां पर भी वही वर्ड दिए गए हैं. सो इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. DRINK ड्रिंक, CLEAN क्लीन, WATER वाटर. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट बी, फन एक्टिविटी. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट डाउन द uses of water. आप इन pictures को देखिए और uses of water आपको लिखने हैं. Okay, so look at this. This is drinking. So write down DRINKING drinking. Okay, यानी पानी पीना. Next, look at this. This is bathing, यानी नहाना. So write down BATHING bathing. Okay, next number 3. Look at this. Oh, I think visible. Yes. Okay. Yes. So number 1, DRINKING drinking. Next, look at this, BATHING bathing. Next, cleaning floors. So CLEANING cleaning floor. FLOORS floors, cleaning floors यानी फर्श की सफाई करना. ओके, सो यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी गई थी जिनको देखकर हमें वाटर के यूजेस लिखने दे. सो नंबर 1 ड्रिंकिंग, नंबर 2 बाथिंग, नंबर 3 क्लीनिंग फ्लोर्स. नेक्स्ट, दिस इज वैल्यू जोन. Water supply in Hassan's colony is less during summer months. Hassan's ये किसी का नेम दिया गया है यहाँ पर, यानी उसकी जो कॉलोनी है वहां पर गर्मियों के दौरान पानी की कमी होती है. Tick the things that आपको वो चीजें टिक करनी है जो should be taken care by Hassan, जो हसन के द्वारा केयर करनी चाहिए पानी के लिए. ही शुड, वह कर सकता है, क्या कर सकता है. नंबर 1 टेक ए बाथ विद
बकेट वाटर यानी बाल्टी के पानी से नहाना चाहिए. सो यस, सो हमें इसको टिक करना है. नेक्स्ट, स्टोर रेन वाटर यानी जो रेन वाटर है बारिश का पानी है हमें उसे स्टोर करना चाहिए. यस, ये आसंस के द्वारा जो पानी की देखभाल है वो की जाएगी कि वो कैसे उस कमी को पूरा कर सकता है. ओके, नंबर थ्री, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर यानी साफ पानी पीना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, टिक. नंबर फोर, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग यानी जब आप ब्रश करते हैं तो उस समय टैप को क्लोज कर देना चाहिए. यस, उससे भी पानी वेस्ट नहीं होता है. जब आपको नीड होती है तब आप उसको पानी को चला सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ए वाटर पाइप टू क्लीन हिज व्हीकल्स यानी जो अपने वाहन हैं उनको क्लीन करने के लिए वाटर पाइप का यूज करना चाहिए. नो, सो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि उससे ज्यादा पानी वेस्ट होगा. हमें बकेट में पानी लेकर अपने व्हीकल्स क्लीन करने चाहिए. ओके, सो ये आपका होमवर्क था जो आपको सेंड किया गया था लास्ट क्लास में. नेक्स्ट वी विल रीड क्विक स्क्रॉल. ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर की नीड होती है, जरूरत होती है. नेक्स्ट, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर नी प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को वाटर की नीड होती है. यस, सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत आर हैं लेक्स यानी झीलें, पॉन्ड्स तालाब, रिवर्स नदियां एंड वेल्स कुएं. सोर्सेज ऑफ वाटर आर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. यस, हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए. वाटर इज प्रीसियस, प्रीसियस कीमती यानी पानी जो है वो बहुत कीमती है. सो यूज इट विद केयर, इसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज वाटर इज प्रीसियस, पानी कीमती है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो या अब हम क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर वन, राइट डाउन दी फोर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट डाउन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन दी टी एच ई दी फोर एफ ओ यू आर फोर मेन एम ए आई एन मेन सोर्सेस एस ओ यू आर सी ई एस सोर्सेस हल्का सा. यस, राइट डाउन दी फोर मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर. ओके, सो आंसर इज ए एन एस आंसर. सो लेक्स एल ए के ई एस लेक्स, पॉन्ड्स कोमा लगाते जाएंगे पी ओ एन डी एस पॉन्ड्स, रिवर्स आर आई वी ई आर एस रिवर्स एंड वेल्स यानी कुएं एंड डब्ल्यू ई डबल एल एस वेल्स. आप इसे नंबरिंग में भी लिख सकते हैं, नंबर वन लेक्स, नंबर टू पॉन्ड्स, नंबर थ्री रिवर्स, नंबर फोर वेल्स यानी कुएं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
State any six uses of water. So, question number 2. S-T-A-T-E, state any six, S-I-X, six, uses, U-S-E-S, uses of water, of W-A-T-E-R, water. स्टेट एनी सिक्स यूजेस ऑफ वॉटर. यहां पर आपको वॉटर के सिक्स यूजेस लिखने हैं. ओके, सो आंसर इज, इसको भी आप अगर चाहो तो इसको आप नंबरिंग में लिख सकते हो. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देन 4, देन 5, देन 6. और जैसे हमने अभी कोमा लगा के लिखा है, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. तो स्टेट एनी सिक्स यूजेस ऑफ वॉटर. सो बाथिंग, बी ए टी एच आई एन जी, बाथिंग यानी नहाना. नेक्स्ट कुकिंग, सी डबल ओ के आई एन जी, कुकिंग यानी खाना बनाना. नेक्स्ट ड्रिंकिंग, डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग यानी पानी पीना. ओके, नेक्स्ट वॉशिंग क्लॉथ्स, सो डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी, वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोना. सी एल ओ टी एच ई एस, क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोना. नेक्स्ट क्लीनिंग फ्लोर्स यानी फर्श की सफाई करना. सी एल ई ए एन आई एन जी, क्लीनिंग फ्लोर्स, एफ एल डबल ओ आर एस, फ्लोर्स, क्लीनिंग फ्लोर्स यानी फर्श की सफाई करना. ओके, नेक्स्ट नंबर 6, वॉटरिंग प्लांट्स यानी पौधों में पानी देना. डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी, वॉटरिंग प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स. ओके, सो स्टेट एनी सिक्स यूजेस ऑफ वॉटर. आंसर इज बाथिंग, बी ए टी एच आई एन जी, बाथिंग. C double O K I N G, cooking. Next D R I N K I N G, drinking. Next washing clothes. W A S H I N G, washing. C L O T H E S, clothes, washing clothes, kapde dhona. Cleaning floors. C L E A N I N G, cleaning. F L double O R S, फ्लोर्स यानी फर्श की सफाई करना. नेक्स्ट वॉटरिंग प्लांट्स, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी, वॉटरिंग, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स, वॉटरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी बॉयल वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग. ओके, सो डब्ल्यू एच वाई should, s h o u l d, should, why should we boil, b o i l, boil yani ubalna, water, why should we boil water before drinking, b e f o R E, before drinking, D R I N K I N G, drinking. Okay. Why should we boil water before drinking? यानी हमें पानी को पीने से पहले उबालना क्यों चाहिए? So answer is,
write down answer. To purify the water, यानी पानी को शुद्ध बनाने के लिए. So write down TO2 purify, PURIFY, purify the water, THE the water, WATER water. Okay. So you should also learn the question answers. आपको भी ये question answer learn करने हैं. So question number 3. Why should we boil water before drinking? यानी हमें पानी पीने से पहले उबालना क्यों चाहिए? Answer is to purify the water. यानी पानी को शुद्ध बनाने के लिए. Okay. Now we will revise it again. इनको हम दोबारा से revise करेंगे. Answer the following questions. So, yes. Question number 1. Write down the 4 main sources of water. Answer is lakes, ponds, rivers and wells. यानी कुएं. जो वाटर के मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? यहां पर हमने 4 सोर्सेज लिखे हैं. लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर. यहां पर हमें 6 यूजेस लिखने हैं वाटर के यूजेस. ओके. सो आंसर इज कौन कौन से यूजेस हैं वाटर के? बाथिंग, BATHING, बाथिंग. नेक्स्ट COOKING, कुकिंग. नेक्स्ट DRINKING, ड्रिंकिंग. नेक्स्ट वॉशिंग क्लॉथ्स, WASHING, वॉशिंग, CLOTHES, क्लॉथ्स. नेक्स्ट cleaning floors, CLEANING, cleaning, FLOORS, floors. Next, watering plants, WATERING, watering, PLANTS, plants. So, 6 uses of water. Number 1, bathing. Number 2, cooking. Number 3, drinking. Number 4, washing cloths. Number 5, cleaning floors. Number 6, watering plants. Okay. Next, question number 3. Why should we boil water before drinking? Yani hame pani peene se pehle ubalna kyon chahiye? So answer is to purify the water. P-U-R-I-F-Y, purify. To purify the water, yani pani ko shuddh banane ke liye. Okay. So student, you should also learn the question answers. Aapko bhi ye question answers learn karne hai. Now, homework. So aapka jo homework hai, homework mein aapko ek assignment milega. Assignment will be uploaded on EdQuark at 12 o'clock. Okay. So that's it. Thank you.